नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में बरसात के बाद घरों में घुसा पानी, गांव में बीमारी फैलने की आशंका, लोग परेशान, नहीं पहुंची कोई सरकारी सहायता। जनपद रामपुर में हजरतपुर तोपखाना गेट पर बारिश होने के कारण खेत से लेकर गालियों और घरों में पानी घुसने से कि गांव के लोग काफी परेशानी में हैं। पानी का भराव इतना है कि लोग पालतू पशुओं में भी बीमारियों की आशंका है। गांव के लोगों का कहना है कि घरों में इस कदर पानी भर जाता है कि रोटी खाने को नहीं मिल पाती। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर हर साल जल भराव हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने गांव के प्रधान से भी कहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और हमें देखने भी नहीं आता कि हम गांव वालों का क्या हाल है। हमने इसकी शिकायत करने की कोशिश अधिकारियों से की, लेकिन हमारी शिकायत कोई नहीं सुनता ही नहीं। प्रधान पिछले 3 सालों से गांव में एक बार भी देख नहीं आया कि गांव का क्या हाल है, और न ही इस ओर अधिकारियों का। यहाँ के फोटो भी, मेरा नाम शाहरुख है। डीएम सर के मैसेज आ रहे थे, मैंने डीएम सर को मैसेज भी किया। डीएम सर बोले आप लोकेशन भेजें, अपना मोबाइल नंबर भी भेजें। मैंने मोबाइल नंबर भी भेज दिया। प्रधान जी ने पहले कहीं इधर काम कराया होगा, तो प्रधान जी ने यहाँ की फोटो जो है भेज दी है। डीएम सर बोले ये भी हजरतपुर में काम हुआ। मैंने कहा हजरतपुर में काम हुआ, उन्होंने अपनी डेयरी के पास का काम कराया। पानी में हम लोग भी निकल रहे हैं और लोगों को परेशानी है, बच्चे स्कूल जाने से बहुत ज्यादा इन्हें बनाई है। और प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और डीएम सर को जो है फोटो भी यहाँ से जो है व्हाट्सअप भी कर दिए हैं और मैसेंजर पे ही भेज दिया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। डीएम ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिया, बोले सुनवाई जरूर होगी, मगर अभी तक कुछ मतलब ऐसा हुआ नहीं है। ना ही वो मतलब सर्वे करने के लिए आया, कुछ नहीं हुआ, ना ही उनकी टीम आई है सर्वे के लिए। तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ मिट्टी पड़ जाए, थोड़ा सुधार हो जाए। ना ही लाइन खींच पा रही है, लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा मतलब का नाम है जी। क्या समस्या? समस्या यह है, पूरा हजरतपुर भरा पड़ा है। ये सैनियों की बस्ती है, ये कुछ मुसलमानों की बस्ती है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है क्या है यहाँ? पहले नाले यहाँ डाटे थी, वो डाटे भी बंद कर दी इन लोगों ने। मैं ये चाह रहा, हमारा डीएम साहब से और यहाँ के अधिकारियों से ये निवेदन है कि ये दोनों रास्तों पे नाला बनवाएं ताकि इसका पानी निकले। यहाँ तो आदमी डुबाव डुबाव पानी है, बच गया एक बच्चा भी यहाँ डूबते से, और बच गया वो तो ये कहो कि एक साहब आ गए, उन्होंने जल्दी से निकाल लिया। और सारी यहाँ से किलोमीटरों तक पानी भरा पड़ा है, क्योंकि निकासी नहीं है पानी की, तो इसलिए पानी भरा पड़ा है। मैं वार्ड सभासद हूँ, वार्ड 25, वार्ड 35 मतलब का नाम है मेरा। लेकिन ये एक दिन तो मैंने बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि स्विमिंग उससे भी आती है, तो वो बच्चे खेलते खेलते किसी ने धक्का दे दिया, वो तो डूबे जा रही था बच्चा। तो यहाँ कोई अधिकारी भी देखने नहीं आता। हमारा यही है प्रशासन से, अधिकारी से शिकायत नहीं की आपने? शिकायत तो पहुंचाई तो बहुत तेरी जगह है, लेकिन पहुंची नहीं, पता नहीं पहुंची। अब कहलाने का काम है हमारा, कोई सुनवाई नहीं है असल में, बात ये है। क्या नाम है आपका? सायदा जी। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमने प्रधान जी से कही, हमें 3 साल हो गए परेशान होते हुए पानी में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी कॉलोनी भरवा दो। हमारे आदमी मजदूर आदमी है, कहाँ से करें, घर बनाए या बच्चों को पाले, लेकिन प्रधान सुन गई नहीं देती। क्या नाम है आपका? जवत्री। कहाँ रहती है? हजरतपुर। क्या समस्या है? हमारी समस्या नाले की है बस। क्या हुआ? घर डूबे हुए हैं, गौमूत्रों के पानी हाथों में है, हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं सब। किसी से शिकायत की है? किसी से शिकायत कोई सुनता ही नहीं। हम के पास कई बार गए, अब से 2-3 साल पहले फिर नहीं गए, हम थक गए जाते। तू बोलिए फिर। किसी से शिकायत की है? शिकायत भतेरी करी, पर कोई न सुना। क्या कहा? यही कही हमारे नाले की शुद्धवा कर दो, नाले निकलवा दो, गुमूतों का पानी हाथों से भर भर के डाल रहे हैं, बालक बीमार पड़े हैं। कितने दिनों के पानी भर रहे हैं? अभी भरा है, ये तो थोड़े दिनों भरा, 5 साल भी 8 दिन। आप कितना टाइम हो गया? 8 दिन। 8 दिन से कोई आया देखने यहाँ पर? ना कोई नहीं आया। शिकायत करी किसी से? किससे शिकायत करें? उनसे